प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। देश में ईंधन के मोर्चे पर लगातार महंगाई का करंट लग रहा है और आज एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और जनता की जेब पर दोहरी मार पड़ रही है। एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है और महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। देश में ईंधन के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,000 रुपए के पार हो गए हैं। आज घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर 8 रुपए महंगा हो गया है। देश में इससे पहले 7 मई 2022 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था और उस समय 50 रुपए प्रति सिलेंडर की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही मई महीने में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की जा चुकी है। वहीं आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 8 रुपए महंगे हो चुके हैं। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे के बाद मामला बढ़ता जा रहा है और अब वजू खाने का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें नंदी दिख रहे हैं। हिंदू पक्ष ने वजू खाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया है। आपको बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे का काम 16 मई को पूरा हो चुका है और टीम इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है। वही इस मामले पर सुप्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के मठाधीश्वर स्वामी राज नारायणाचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मैं देशवासियों से अपील कर रहा हूं कि किसी भी विवाद का समाधान संवाद के तहत होना चाहिए। जो सत्य है वह सत्य है। जैसे सूर्य में प्रकाश है तो प्रकाश है, उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ जी का मंदिर है, जिसे दोनों पक्ष के लोग जानते हैं, फिर भी उसे ज्ञान वापी मस्जिद कह करके नमाज अदा करते हैं। ज्ञान वापी मस्जिद नाम हो ही नहीं सकता, मस्जिद का नाम ज्ञान वापी नहीं होता है। फिर भी यह मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है, इसलिए सभी पक्षों को संयम बरतना। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने समीक्षा बैठक की। वहीं एम्स गोरखपुर में समीक्षा बैठक की गई, जहां एम्स में इलाज की सुविधाओं के बारे में एम्स के ईडी से जानकारी ली, साथ ही JEEAS के तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। बता दें कि समीक्षा बैठक के दौरान एम्स गोरखपुर की ईडी, CMO, कमिश्नर, DM समेत संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। बिजनौर में एक डॉक्टर को ट्रैफिक कांस्टेबल से उलझना भारी पड़ गया, जहां डॉक्टर का ट्रैफिक कांस्टेबल से उलझते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर ट्रैफिक कांस्टेबल से उलझते हुए दिखाई दे रहा है और वायरल वीडियो में वो उसे धमकाते हुए देखा जा रहा है। ट्रैफिक कांस्टेबल मोहित चौहान ने डॉक्टर के खिलाफ थाना चांदपुर पर मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें थाना चांदपुर में हेड कांस्टेबल मोहित, जो ट्रैफिक के हेड हैं, इनके द्वारा सीट बेल्ट का चालान किए जाने पर, मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर चालान किए जाने पर एक व्यक्ति द्वारा अशोभनीय हरकत किया गया, गाली गलौज किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई और सड़क पर हंगामा खड़ा किया गया। थाना चांदपुर पर इस संबंध में 353, 332, 504, 506 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही सुभाष कुमार गाजियाबाद की मुरादनगर गंगन में नहा
गंगा नहर में नहाते समय डूब गया, जहां एनडीआरएफ की टीम लगातार गगनहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन डूबे सिपाही का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के गांव मोरटा निवासी सुभाष यूपी पुलिस में सिपाही है। बता दें कि मौजूदा समय में सिपाही की तैनाती बुलंदशहर जिले के खुर्जा स्थित सीओ ऑफिस में है। खबर आगरा से है, जहां यूपी पुलिस बोर्ड भर्ती मामले का संज्ञान लेते हुए आगरा के थाना शाहगंज में 7 लोगों के खिलाफ शिकायत करते हुए 4 लोगों को जेल भेजा गया है। इस दौरान बताया गया कि परीक्षा के गाजियाबाद, अलीगंज, आगरा 3 केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा के दौरान 4 परीक्षार्थियों ने बेहद हैरान करते हुए एक एक सेकंड में एक एक प्रश्न हल किए। कुछ अभ्यर्थियों के नकल और कंप्यूटर डिवाइस का प्रयोग कर प्रश्नों के हल करने की आशंका होने पर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच करके एक रिपोर्ट हमें दी। उस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यहाँ मुकदमा पंजीकृत किया और ये मुकदमा थाना सागंज में पंजीकृत हुआ है, जिसका मुकदमा संख्या है 222/2022 और धारा अंतर्गत 420 भादवी और 6/10 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम एवं 66 एक्ट। इसमें 7 लोग मुलजिम बनाए गए हैं, जिसमें 4 वो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में दुराचार किया है और साथ में वो 3 के गाजियाबाद की लोनी थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्चे के साथ 2 युवकों के द्वारा कुकर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चे की उम्र महज 6 साल है और आरोपी युवक उसे स्विमिंग पूल में नहाने के बहाने अपने साथ लेकर गए थे। वहीं बच्चे के परिवार का आरोप है कि बच्चे को स्विमिंग पूल में नहाने के बहाने ले जाकर खाली पड़े खेत में ले जाकर बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बच्चे को रोता देख वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे के परिवार को सूचना दी। पीड़ित बच्चे का मेडिकल भी कराया गया है। घटना के आरोपी बच्चे के पड़ोस में रहने वाले लड़के बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। 11 बच्चे, 2 लड़के, मेरा बेटा परेशान थी। मेरे बेटे को ले गए इधर खेतों में, जंगल की तरफ, टंकी की तरफ। वहाँ जा तो लोगों ने थोड़ा काम करा दिया। कितने लोग थे? 2। फिर क्या हुआ? मेरा बेटा नहीं मिल पाया तो पुलिस वाले को मिला, उन्होंने फोन वोन किया, वो आए घर पर। जब मेरा बेटा वो यहाँ पर था। कैसी कंडीशन उसकी? कंडीशन तो थोड़ी नॉर्मल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के भतीजे अचिन मिश्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें कि अचिन अपने पैतृक गांव बनवीरपुर से लखीमपुर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उनके सिर पर पेड़ गिर गया, जिससे ही मौके पर उनकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक अचिन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ईमानदारी आज भी जीवित है, इसकी मिसाल मैनपुरी में कांस्टेबल के पद पर तैनात सुशील कुमार ने पेश की है। मूल रूप से आगरा के रहने वाले सुशील कुमार मैनपुरी पुलिस लाइन में तैनात है। वो हिमाचल प्रदेश के काली माता के दर्शन करने गए हुए थे। माता के दर्शन के दौरान ही सुशील कुमार को आभूषणों और रुपयों से भरा एक बैग मिला। सुशील कुमार ने ईमानदारी दिखाते हुए बैग को उसके मालिक तक पहुंचाने की ठान ली। इस दौरान उन्हें पता चला कि बैग रिटायर्ड कर्नल राजकुमार शर्मा का है। सुशील ने वर्दी का फर्ज अदा करते हुए रिटायर्ड कर्नल राजकुमार शर्मा से संपर्क करने के बाद पठानकोट रेलवे स्टेशन पर उनका बैग सही सलामत उनको सौंप दिया। पुलिसकर्मी सुशील कुमार की ईमानदारी को देखते हुए रिटायर्ड कर्नल राजकुमार शर्मा ने मेल के माध्यम से मैनपुरी पुलिस को पत्र भेजकर सुशील कुमार की प्रशंसा की।
सिद्धार्थ नगर के कोडरा ग्रांट के इस्लाम नगर में 14 मई को पुलिस की दबिश के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है, जो कि अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मृतका के परिजनों से मिलने इस्लाम नगर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। वहीं इस दौरान पीड़ित परिवार ने अपनी बात अखिलेश यादव से कही और अखिलेश यादव ने भी परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है और जिस पुलिस पर जनता भरोसा करती है अब वही पुलिस लोगों की जान ले रही है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिस पुलिस पर हमें भरोसा इस बात का है कि पुलिस हमें सुरक्षा देगी और समय आने पर अगर कोई परेशानी होगी तो हम न्याय के लिए मांग करेंगे, लेकिन वही पुलिस जान लेने लगी। और यूपी की पुलिस जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पता नहीं क्या हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं ललितपुर गया, वहाँ के दरोगा पर आरोप इस बात का था कि उसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, थाने में बलात्कार हो गया सरकार में। अभी चंदौली में मैं गया और चंदौली में इस बात को लेकर के घर पे छापा मारा कि जो जिला बदर है वो भी झूठ। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।